अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये CS 201 के 20 मीटर में MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली MCQs हैं। ये आप इसकी तैयारी सही तरह कर लें, ठीक है। और आंसर्स में आप मैं आपको स्पीडी में बताऊंगा। मैं आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज कोड, ट्रू। ओके, जो ये ग्रीन में आपको नजर आएंगे ये ट्रू हैं। इसके बाद मेंबर फंक्शन टेल जी रिटर्न्स द करंट लोकेशन ऑफ द डैश पॉइंटर, गेट पॉइंटर है इसमें, ठीक है। और इसके बाद विथ विल बी द रेंज ऑफ नंबर्स जनरेटेड बाय फंक्शंस रैंड, ठीक है, 0 to 8। द करेक्ट सेंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप का करेक्ट सेंटेक्स है डू स्टेटमेंट फिर वाइल कंडीशन, ये करेक्ट सेंटेक्स है। इसके बाद है व्हेन एन एरे एलिमेंट इज पास टू अ फंक्शन इट इज़ पास बाय रेफरेंस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रेफरेंस। इसके बाद है द डेटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट्स इज रिटर्न टाइप। इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट देन दिस मे कॉज अ लॉजिकल एरर। ओके, सर्चिंग इज ईजियर वैन एन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड 0 to 99, ये इसका करेक्ट आंसर है। वट विल द बी द वैल्यू ऑफ आई एंड जे इन द फंक्शन कॉल्ड असाइनमेंट, ठीक है, ये एरे का फंक्शन है जिसमें पॉइंटर्स यूज हुए हैं। इसका आंसर है आई इज इक्वल टू 4, जे इज इक्वल टू 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इंक्लूडेड इन stlib.h हेडर फाइल, ये दोस्तों बहुत रिपीट हुआ है MCQs 1 and 2 ओनली। इन ऑर्डर टू गेट 256 फ्रॉम द नंबर 2568 वी डिवाइडेड दिस नंबर बाई 10 एंड टेक इट्स क्वेश्चन। ओके, यूनिक्स हैज़ डिवेलप्ड इन लैंग्वेज सी में लैंग्वेज हुआ है ये। वट विल बी द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इस डी मैस रूल अप्लाई होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका 9 आएगा। वट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, इसका है करेक्टर को इनिशियलाइज करने का करेक्ट सेंटेंस है करेक्टर मल्टीप्लाई PTR इक्वल टू। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट मीन डैट मेमरी इज एलोकेटेड, ट्रू। वट विल बी द करेक्ट सेंटेंस टू इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू डिमेंशन एरे का, इस तरह इंट एरे 2 2 इज इक्वल टू 0 0। सी इज़ वेडली नोन एज डिवेलपमेंट लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों ये भी बहुत रिपीटेडली MCQs है। द कंडीशन इन वाइल लूप में कंटेन लॉजिकल एक्सप्रेशन बट नॉट रैशनल एक्सप्रेशन, ट्रू नहीं फॉल्स है, सॉरी। वट डज 5 C 6 इवेल्यूएट इन टू डेसिमल, 7 आएगा इसका आंसर। वट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है x इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये 20 MCQs हैं, और भी MCQs मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।